हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महेश है और आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल वीएमवेयर ESXi 7.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ESXi 7.0 इंस्टॉल करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीएमवेयर ESXi एक हाइपरवाइजर है। सो हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर की डेफिनेशन आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। हाइपरवाइजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन्स। हाइपरवाइजर पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफर कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर्स की बात करें तो बेसिकली हाइपरवाइजर टू टाइप्स के होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन हाइपरवाइजर्स को हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं एंड टाइप टू हाइपरवाइजर्स को होस्टेड हाइपरवाइजर्स बोला जाता है। सो टाइप टू हाइपरवाइजर्स मोस्ट कॉमन हाइपरवाइजर्स हैं जिनका यूज सब लोग करते हैं फॉर एजुकेशनल एंड टेस्टिंग पर्पस। सो नाउ टाइप टू हाइपरवाइजर को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर हार्डवेयर रिसोर्स होगा जो कि एक हार्डवेयर होगा। सेकेंड, उस हार्डवेयर पर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज, लिनक्स या फिर मैक ओएस। थर्ड लेयर में हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक हाइपरवाइजर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। फर्दर उस हाइपरवाइजर के थ्रू हम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हार्डवेयर पर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ऐसा हाइपरवाइजर, एंड फर्दर उस हाइपरवाइजर के थ्रू हमने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की। सो वीएमवेयर वर्क स्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स टाइप टू हाइपरवाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो नाउ अगर हम टाइप वन हाइपरवाइजर की बात करें तो टाइप वन हाइपरवाइजर में अगेन हार्डवेयर रिसोर्स होगा। फर्दर उस हार्डवेयर रिसोर्स पर हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे। फर्दर उस हाइपरवाइजर के थ्रू हम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो टाइप वन हाइपरवाइजर के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं सिट्रिक्स, जेन सर्वर, वीएमवेयर ESXi 7.0, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर बी। सो फ्रेंड्स, अगर आसान भाषा में बात की जाए तो टाइप टू हाइपरवाइजर्स ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड टाइप वन हाइपरवाइजर्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं डायरेक्टली हार्डवेयर पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हाइपरवाइजर समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफर कर सकते हैं। सो नाउ हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट लैब का क्विक रिव्यू करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सर्वर डोमेन कंट्रोलर है जिसपे ADDS, DHCP एंड DNS रोल्स हमने कन्फिगर किए हैं। सेकेंड एंड थर्ड हमारे हाइपरवाइजर्स हैं जिनको इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। फोर्थ हमारी विंडोज 10 कंसोल मशीन है जिसके थ्रू हम कंसोल एक्सेस करेंगे दोनों हाइपरवाइजर्स का। सो नाउ लेट मी क्लोज दिस क्विकली एंड हम वीएमवेयर ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों वर्चुअल मशीन्स पावर ऑन है एंड वर्चुअल मशीन्स की डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। सो नाउ हम क्विकली एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे एंड हम हाइपरवाइजर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। सो क्लिक ऑन न्यू वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ हम ISO फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ISO मीडिया डाउनलोड करने का लिंक मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफर कर सकते हैं। सो नाउ हम ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस वर्चुअल मशीन को हमें नाम देना है। मैं वर्चुअल मशीन का नेम एंटर कर देता हूँ, दैट इज ESXi-01 जो कि हमारा हाइपरवाइजर होने वाला है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस वर्चुअल मशीन की हार्ड ड्राइव हम 40 GB रहने देंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड नाउ हम थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे, क्लिक ऑन मेमोरी एंड हम मेमोरी को इंक्रीज कर देते हैं 8 GB। सिंपली क्लिक ऑन क्लोज एंड नाउ इस मशीन को हम पावर ऑन करेंगे। सो चेक दिस बॉक्स, क्लिक ऑन फिनिश। सो वर्चुअल मशीन पावर ऑन हो रही है, इट्स लोडिंग ESXi इंस्टॉलर। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीएमवेयर ESXi का इंस्टॉलेशन बहुत ही फास्ट होता है, इट्स टोटली अप टू योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके। सो नाउ हिट एंटर टू कंटिन्यू। सो नाउ हमेशा की तरह लाइसेंस एक्सेप्ट ही करना होगा, प्रेस F11।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हार्ड ड्राइव हमने सेलेक्ट की थी वो लिस्ट हो रही है, सो हिट एंटर टू कंटिन्यू। कीबोर्ड लेआउट हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, हिट एंटर। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर रूट यूजर पासवर्ड, मैं एंटर कर देता हूँ। अगेन हिट एंटर। टू कंफर्म योर इंस्टॉलेशन प्रेस F11। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इन अ मीन टाइम हम विंडोज 10 कंसोल मशीन पर लॉगिन कर लेते हैं। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं विंडोज 10 कंसोल मशीन में लॉगिन हो चुका है। हम सिंपली डोमेन कंट्रोलर में भी लॉगिन कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं डोमेन कंट्रोलर पर हमने ADDS, DSCP एंड DNS रोल्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। हम अगेन सर्वर के इंस्टॉलेशन पर चलते हैं। एंड आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हिट एंटर टू रीबूट। हम रीबूट कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं। सो आप देख सकते हैं हाइपरवाइजर सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है। एंड नाउ हाइपरवाइजर को जो आईपी एड्रेस मिला है वो DHCP सर्वर से मिला है, जिसको हमें स्टैटिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं F2 हमें प्रेस करना है कस्टमाइज करने के लिए, हम प्रेस करेंगे। एंड नाउ इट्स आस्किंग फॉर रूट पासवर्ड, मैं एंटर कर देता हूँ। एंड नाउ सिंपली गो टू कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, हिट एंटर। गो टू IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, हिट एंटर। एंड सेलेक्ट सेट स्टैटिक IPv4 एड्रेस। एंड नाउ आई हैव टू चेंज दिस IP एड्रेस, सो सिंपली इट्स 103, सबनेट मास्क ओके, एंड डिफॉल्ट गेटवे इज ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं IP एड्रेस हमने चेंज कर लिया है एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ सिंपली हिट एंटर। एंड नाउ हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे टू गो बैक। सो नाउ इट्स आस्किंग टू अप्लाई द चेंजेस, सिंपली प्रेस Y फॉर यस। जैसा कि आप देख सकते हैं IP एड्रेस सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। एंड नाउ हम DNS एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं। अगेन ओपन कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, गो टू DNS कॉन्फ़िगरेशंस। एंड आप देख सकते हैं प्राइमरी DNS सर्वर जो कि हमें चेंज करना है, दैट इज 10.100। एंड होस्ट नेम आप देख सकते हैं लोकल होस्ट हम चेंज कर देते हैं, दैट इज ESXi-01, जो कि हाइपरवाइजर का होस्ट नेम है। सिंपली हिट एंटर। अगेन हिट एस्केप टू गो बैक। सो नाउ हम सिंपली बाय प्रेस करेंगे टू अप्लाई द चेंजेस। एंड आप देख सकते हैं सर्वर का होस्ट नेम चेंज हो चुका है टू ESXi-01। एंड नाउ हम डोमेन कंट्रोलर पर चलते हैं, बिकॉज इस सर्वर का होस्ट नेम रिजॉल्व करने के लिए हमें DNS रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। क्लिक ऑन टूल्स, क्लिक ऑन DNS, एक्सपेंड फॉरवर्ड लुकअप जोन, सेलेक्ट द डोमेन, सिंपली राइट क्लिक, न्यू होस्ट एंट्री। एंड नाउ हम होस्ट नेम एंटर कर देते हैं, दैट इज ESXi-01। एंड हम सर्वर का IP एड्रेस एंटर कर देते हैं, दैट इज 192.168.10.103। नाउ सिंपली क्लिक ऑन एड होस्ट, क्लिक ओके एंड क्लोज इट। हम रिफ्रेश करेंगे एंड आप देख सकते हैं ESXi-01 एक DNS रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। एंड नाउ सबसे पहले हम हाइपरवाइजर को पिंग करके देखेंगे। मैं विंडोज़ पावर शेल ओपन कर लेता हूँ। हम कमांड टाइप करेंगे, दैट इज पिंग 192.168.10.103। आप देख सकते हैं हाइपरवाइजर से प्रॉपर पिंग आ रहा है। एंड नाउ हम हाइपरवाइजर को होस्ट नेम से भी पिंग करके देखेंगे। पिंग स्पेस हम हाइपरवाइजर का होस्ट नेम एंटर कर देते हैं, दैट इज ESXi-01 डॉट टेक सपोर्ट।
.com जो कि हमारा डोमेन है, सिंपली हिट एंटर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, दैट इज ESXi01। हमने करेक्ट कर लिया, नाउ सिंपली हिट एंटर एंड आप देख सकते हैं होस्ट नेम प्रॉपरली रिजॉल्व हो रहा है। सो नाउ हम विंडोज 10 कंसोल मशीन पर चलते हैं, हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड हम हाइपरवाइजर का एड्रेस एंटर करेंगे, दैट इज http://192.168.10.103। सो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट एरर शो कर रहा है, जिसको हम बाद में शॉर्ट आउट कर लेंगे। सिंपली क्लिक ऑन डिटेल्स एंड गो टू द वेब पेज एंड नाउ हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, दैट इज रूट एंड मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। नाउ सिंपली क्लिक ऑन लॉग इन, हमें पासवर्ड सेव नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अगर आपको VMware का कस्टमर एक्सपीरियंस ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, एस ऑफ नाउ मैं चेक करूंगा, क्लिक ऑन ओके। सो हाइपरवाइजर का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, होस्ट नेम आप चेक कर सकते हैं, दैट इज ESXi01। आप CPU, मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव यूटिलाइजेशन देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन एंड आप देख सकते हैं हम ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि 60 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, जो कि कोई इशू नहीं है। एंड फर्दर आप हार्डवेयर डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक मैनुफैक्चरर VMware.inc शो कर रहा है बिकॉज हमने इस हाइपरवाइजर को VMware वर्कस्टेशन 15 पर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। सो फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस आप चेक कर सकते हैं, सिस्टम डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं, फर्दर लास्ट 1 घंटे की परफॉर्मेंस समरी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो सीरीज़ में हम टाइप 2 हाइपरवाइजर का यूज़ कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में टाइप 2 हाइपरवाइजर का यूज़ नहीं किया जाता है। टाइप 2 हाइपरवाइजर सिर्फ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप डेटा सेंटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर टाइप 1 हाइपरवाइजर ही मिलने वाला है, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर पर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हाइपरवाइजर ESXi01 को इंस्टॉल एंड कन्फिगर करना सीखा। फ्रेंड्स, हाइपरवाइजर ESXi02 का इंस्टॉलेशन मैं नहीं करने वाला हूँ। ESXi02 का इंस्टॉलेशन आप खुद से करेंगे। अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं 100% रिवर्ट देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने हाइपरवाइजर का इंस्टॉलेशन करना सीखा स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज, लाइक माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।